लगाएंगे इस तरीके से। लगाने के बाद यहाँ हम लगा देंगे। लगाने के बाद आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं पाउच जो है इस तरह से आपका सील होके आगे निकल जाएगा। इसमें क्या हुआ, एयर भर गया, ये आपको मैं दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम बात करने वाले हैं, नाइट्रोजन फ्लशिंग मशीन की बात करने वाले हैं। पाउच पैकिंग मशीन मैंने बहुत सारी दिखाई अपने चैनल पे, लेकिन मैंने नाइट्रोजन का काफ़ी डिमांड था तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, टाइम नहीं था। अब जो है मैं आपको दिखाने वाला, जैसे कि आप मशीन देख रहे हैं, ये एक मशीन से किसी को सिंगल सिंगल लड़ी में आप नाइट्रोजन फ्लशिंग नहीं कर सकते हो। काफ़ी लोगों का सवाल होता है, क्या इस मशीन से मैं एयर जो भरना चाहता हूँ तो क्या आपको लड़ी में पैक हो सकता है। नहीं, इसमें लड़ी नहीं होगा। इस तरह का सिंगल पाउच में अगर किसी को ड्राई फ्रूट पैक करना है और उसकी लाइफ बढ़ानी है, अच्छा क्वालिटी में आप चाहते हैं कि भाई हमारी पैकेजिंग अच्छी क्वालिटी में हो, भरा भरा सा भी दिखे और प्रोडक्ट की लाइफ भी बढ़ जाए, तो आप हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट में जिसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं उसमें भी आप डाल सकते हो। और आप जैसे ड्राई फ्रूट पैक कर रहे हो या किसी तरह का जैसे बच्चों के खाने पीने का नमकीन पैक कर रहे हो तो उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस मशीन से जो इजीली कर सकते हो, जो हमारे पास आपको मिल जाएगा। इसमें दो तरह से ये मशीन चलती है, एक नाइट्रोजन सिलेंडर होता है जिसमें नाइट्रोजन गैस होता है, जो आपके इलाके में आपको नाइट्रोजन सिलेंडर परचेज करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये होता है कि आपको बार बार उसको जो है रिफ़िल करवाना पड़ता है, भरवाना पड़ता है। ख़त्म होने के बाद आप जितना ml इसके अंदर में भरते हो एयर, उसके बाद ख़त्म होने के बाद आपको रिफ़िल करवाना होता है। इसलिए नाइट्रोजन सिलेंडर लोग अक्सर जो है अपने नज़दीकी से लेते हैं और मशीन आप हमसे ले सकते हैं। करना कुछ नहीं होता है, इस तरह से मशीन होती है पूरी प्रॉपर। इसमें एक वायर दिया होता है जो नाइट्रोजन सिलेंडर का आप लगा सकते हो और ये आपका एयर फ्लशिंग वाला सिस्टम मशीन बन जाती है। हम इसमें क्या करते हैं, आप चाहो तो नॉर्मली बिना एयर के भी चला सकते हो, टू टाइप से चला सकते हो। आप चाहते हो एयर ना पैक करना हो, मुझे विदाउट एयर पैक करना हो तो वो भी कर सकते हैं, और एयर के साथ पैकिंग करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है कि नाइट्रोजन सिलेंडर के बाद कंप्रेसर से भी ये मशीन चल जाती है। किसी को सिर्फ एयर भरना हो, उसको नाइट्रोजन सिलेंडर से मतलब नहीं है, तो कंप्रेसर आप हमसे ले सकते हो। इसमें क्या होता है, कंप्रेसर का जो कॉस्ट होता है वो एक्स्ट्रा हम आपको बता देंगे, और जब कॉल करेंगे हमारे दिए गए नंबर पर आपको सिलेंडर का रेट बता देंगे। उस सिलेंडर आप लगा के, जो कंप्रेसर लगा के इस मशीन को आपको पूरा सेट ले सकते हो। फिर उसके अलावा आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है मशीन लेंगे और मशीन लगाने के बाद पाउच लेंगे, पाउच लेने के बाद आप जो है इससे ईजिली आप एयर भर के जो है पैकेजिंग कर। मैं आपको डेमो करके दिखाना चाहूंगा। मशीन आप एक बार पास से देख लीजिए। ये आपका सारा जो है इस तरह की मशीन है, ये आप देख सकते हैं। इसका डिजिटल पैनल है जिसमें टेम्परेचर सेट किया हुआ है। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, एक फैन का स्विच है, एक हीटर का स्विच है। ये इस तरह से मशीन जो है चलती है। ये स्पीड कंट्रोलर है, आप चाहें तो इससे कम ज़्यादा कर सकते हो अपने प्रोडक्शन के हिसाब से। यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रोजन का पूरा सिस्टम, जैसे आप ये देख सकते हैं। इसमें हम पाउच लगाएंगे और किस तरह से ये नाइट्रोजन भर जाएगा मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। और ये एक कंप्रेसर है, मैं अभी कंप्रेसर से चला के दिखा रहा हूँ। ये कंप्रेसर अगर आप चाहते हैं तो हमसे आप कंप्रेसर के साथ भी ले सकते हैं, और इस मशीन से जो है आप तरह तरह के प्रोडक्ट जो है आप एयर टाइप में पैक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब मैं डेमो करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा पाउच है, इस पाउच को जो है हम यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमारा जो है टेम्परेचर हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, हम इसलिए इजीली यहाँ पे बस लगाएंगे इस तरीके से। लगाने के बाद यहाँ हम लगा देंगे। लगाने के बाद आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं पाउच जो है इस तरह से आपका सील होके आगे निकल जाएगा। इसमें क्या हुआ, एयर भर गया, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह का पूरा एयर जो है आप इसको भर चुका है, अब ये देख सकते हैं बिल्कुल एयर भर चुका है इस पाउच में। और हमने आपको डेमो करके भी दिखाया और मशीन कैसे चलती है मैंने आपको बताया। एक नाइट्रोजन सिलेंडर से भी चला सकते हो और एक कंप्रेसर से भी चला सकते हो। कंप्रेसर से सिर्फ एयर भरना हो आपको इस तरीके से तो कंप्रेसर यूज कर सकते हैं। अगर आपको नाइट्रोजन भरना हो तो आप हमसे मशीन परचेज कर सकते हो, पूरा किट लगा के हम आपको दे देंगे। आपको वहाँ बस अपने लोकल में जाकर एक नाइट्रोजन सिलेंडर खरीदना है और आप पता कर लेना जहाँ पर नाइट्रोजन सिलेंडर जो है मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो आप, मैं दिल्ली से भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन रिफ़िल कराने के लिए फिर आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप अपने एरिया में नाइट्रोजन सिलेंडर ढूंढ लें और वहीं पे आप रिफ़िल करवाने का जो है साधन भी देख लें, उसके बाद आप ये मशीन हमसे खरीद सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया कि नाइट्रोजन के साथ भी कर सकते हैं, अब विदाउट नाइट्रोजन भी आप कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको नाइट्रोजन सिस्टम नहीं चाहिए, सिर्फ सीलिंग चाहिए, तो सिंपल आप यहाँ लगाएंगे इस तरह से, आपका जो है बिना नाइट्रोजन के सीलिंग हो जाएगा। स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए, स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ इस मशीन की, प्रोडक्शन की बात करूँ,
तो पर घंटे में अगर इस तरह से आप सीलिंग करते हैं 3600 पीस घंटे का प्रोडक्शन होता है इस मशीन से। और इस मशीन की कैपेसिटी की बात करूँ तो 5 kg तक की कैपेसिटी है इस मशीन की। आप चाहे छोटे से छोटा 10 ग्राम का पाउच क्यों ना हो, और मैक्सिमम आपका 4 से 5 किलो का पाउच भी इस मशीन से ईजिली सील हो जाएगा। आप इसमें चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, स्टैंड के साथ आप चाहते हो तो स्टैंड भी इसमें लग जाएगा और कन्वर्ट होकर ये जो है आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे आप करना चाहते हो इस मशीन को आप उस तरीके से आप यूज कर सकते हो। मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो और किसी को ये मशीन खरीदना हो तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हम आपको प्राइस दे देंगे और कंप्रेसर के साथ क्या प्राइस रहेगा और विदाउट नाइट्रोजन सिलेंडर के साथ आप लेते तो क्या प्राइस रहेगा, ये सारी जानकारी हम इस वीडियोज़ में दे देंगे। हमारे पास और भी मॉडल्स होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, और भी मॉडल्स के मशीनें होती हैं, इस तरह की भी मशीनें होती हैं हमारे पास, तो आप देख सकते हैं 2 से 3 तरह की मशीनें और भी हैं हमारे पास। हर वीडियोज़ में हम आपको दिखाते रहते हैं कि हमारे पास किस किस तरह की मशीनें हैं। तो मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, हमारा ऑफिस दिल्ली में है जो आपका नियर इंदौर लोक मेट्रो पड़ता है, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। सेकंड ऑफिस हमारा दरभंगा बिहार में है जो दरभंगा एयरपोर्ट के नज़दीकी है बिल्कुल। तीसरा ऑफिस हमारा मुंबई महाराष्ट्र में है। तो हमारे तीनों जगह ब्रांचेज हैं और हम हर तरह की मशीन में डील करते हैं और रॉ मटेरियल में डील करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियोज़ में हो सकता है आपके लाइक कुछ ऐसी प्रोडक्ट या किसी तरह का कच्चा माल हो जो आपको चाहिए हो और ना मिल रहा हो मार्केट में, तो हमारे पास आपको इजीली मिल जाएगा। धन्यवाद।